अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम उमैर अली चौहान है और आप देख रहे हैं अलबरका ट्रैवल एडवाइजर्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू अप्लाई रशिया विजिट वीज़ा। जी हाँ, रशिया का वीज़ा किस तरह से अप्लाई करते हैं, ये मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट्स हैं। ये मैं इन आज कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके लिए चाहिए होते हैं और कितने दिन का प्रोसेस है, एम्बेसी में क्या आपसे सवालात किए जाएंगे, ये तमाम चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। लेकिन वीडियो की तफसील में जाने से पहले, अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलें वीडियो में बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैं ख़ुद अपने लिए रशिया का वीज़ा अप्लाई कर रहा हूं। जी हां, विज़िट वीज़ा ये है, विज़िट वीज़ा है। इसके लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स हमारे रिक्वायर्ड होंगे वो मैं आपसे शेयर करता जाऊंगा। सबसे पहले तो हमें वीज़ा हमारा आपके पास सबसे पहले तो पासपोर्ट होना चाहिए, कम से कम 6 to 8 months उसकी वैलिडिटी हो और मिनिमम 2 pages उसमें ब्लैंक हो ताकि आपका वीज़ा स्टैम्प हो सके। उसके बाद आपको वीज़ा फॉर्म, ऑनलाइन वीज़ा फॉर्म फिल करना पड़ता है जो कि रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की वेबसाइट पर मौजूद है। ये इस तरीके का फॉर्म होता है, ये 2 pages पर मुश्तमिल होता है। ये इस तरीके का फॉर्म होता है, अगर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा हो, और ये दूसरा फॉर्म होता है इसका, ठीक है। इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट चीज़ है वो है वहाँ का टूरिस्ट वाउचर या कंफर्मेशन। जी हाँ दोस्तों, रशिया का जो वीज़ा है ना, वो वहाँ की जो इनविटेशन है ना, होटल का या ऐसी कोई, अच्छा जो सेकंड चीज़ है हमारे पास वो होती है होटल वाउचर और कंफर्मेशन लेटर, जिसमें ये लिखा जाता है कि जो वहाँ की मिनिस्ट्री, जो तमाम होटल्स या जो तमाम कंपनीज जो वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से रजिस्टर्ड होती हैं, वो आपको वीज़ा, टूरिस्ट वाउचर और टूरिस्ट कंफर्मेशन भेजती है। वो कुछ चार्ज करते हैं आपसे, आप उन वहाँ पर बुकिंग करें, या अगर कोई कंपनी है जो आपको बिज़नेस, अगर आप बिज़नेस के लिए जा रहे हैं तो वो भी वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से रजिस्टर्ड हो, उसके ऊपर एक नंबर लिखा हुआ होता है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ताकि जब आप एम्बेसी में अप्लाई करें पाकिस्तान में तो वो आपके उस नंबर के थ्रू आपकी जो इनविटेशन है उसको वेरीफाई कर सकें। ये होटल वाउचर होता है इनका। इसके बाद ये होटल जो है कंफर्मेशन लेटर है, ठीक है। इसके बाद ये जो आपका ये एक और पेपर है, इसमें भी इनका नंबर लिखा हुआ होता है यहाँ पर, टूरिस्ट वाउचर है। ये 3 पेपर वहाँ से मुझे रिसीव हुए हैं कोरियर के थ्रू। इसके बाद आपको एक अपनी फ़्लाइट रिजर्वेशन करनी है, जिसमें आपको बताना है कि आपको किस डेट से लेके कब तक आपको ट्रैवल करनी है। जी हाँ, अच्छा ये होता क्या है कि जो आपने वहाँ पर ट्रैवलिंग के लिए जो डेट दी होगी रशिया में, तो वो आपको टिकट जो है ना, वो भी उसी के ही उतनी ही इंटेंडेड डेट ऑफ जो ट्रैवल है वो आपको सेम रखनी है। जैसे अगर आपने 12 से लेके 20 तारीख तक आपने वहाँ पर होटल बुकिंग दी है, तो आपकी जो फ़्लाइट रिजर्वेशन है वो भी उसी तरह होगी। उसके बाद आपको फ़्लाइट रिजर्वेशन अपनी बुकिंग डालनी है। उसके बाद अगर आप बिजनेस मैन हैं तो आपको बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स देने होंगे अपने, कि अगर आपका NTN है, बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स में आपका NTN आ गया, टैक्स रिटर्न्स आ गए, और ये दोनों फ्लाइट रिजर्वेशन के बाद आपको अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस देनी है, उसी सेम डेट की आपने ट्रैवल इंश्योरेंस करानी है। उसके बाद आपको अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट देने हैं कि आप यहाँ पर क्या करते हैं पाकिस्तान में, उस आपको अपना NTN देना है, टैक्स रिटर्न्स देने हैं। उसके बाद आपको बिजनेस की और पर्सनल बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट देना है उसके साथ, एप्लीकेशन के साथ, और उससे और एक बहुत इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो आपने अपना कवरिंग लेटर बना के भी देना है, जिसमें आप ये जो कवर लेटर है आपका, ये बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। आप एक मतलब मीडियम साइज़ उसमें आप अपनी बात लिख सकते हैं, रिक्वेस्ट दे सकते हैं कि भाई मेरा ये प्लान है और मैं
इस डेट से लेके इस डेट तक रशिया ट्रैवल करूँगा और मैं वापस आ जाऊँगा। तो दोस्तों अगर आपके पास प्रीवियस पासपोर्ट हैं तो प्रीवियस पासपोर्ट भी जाएगा, और जो आपने अगर आपने किसी कहीं पे ट्रैवल किया है तो उसकी पासपोर्ट की कॉपीज़ भी लगेंगी इसके साथ ना। फैमिली FRC लगेगा, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये आपको मादरा से मिलता है। पोलियो वैक्सीनेशन मिले कर लेना पड़ेगा आपको, ये पोलियो वैक्सीनेशन भी आपको एयरपोर्ट से या आपका जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट है, वहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद आपको टेक चैम्बर, अगर आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बैंक वो है रजिस्ट्रेशन, तो आपको वो लगानी पड़ेगी। इसके लिए कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट्स नहीं है रशिया के विजिट वीज़ा के लिए। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अगर आप सबमिट करते हैं रशियन एम्बेसी में कराची में, इसके दो दिन होते हैं एम्बेसी के, जो ट्यूसडे और थर्सडे को ये लोग एप्लीकेशंस लेते हैं पब्लिक डीलिंग। सबसे पहले आप जब वहाँ पर जाएंगे एम्बेसी में, तो पहले आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, वो देखेंगे कि आपकी जो वीज़ा की जो एलिजिबिलिटी है वो बनती भी है कि नहीं बनती। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे तो वो आपको चालान बना के देंगे, जो इनकी जो फीस है वो 11,200 रुपये चालान बना के देंगे। वो आपको बैंक में जाके पैड करना पड़ेगा, उसके बाद वो आपको डॉक्यूमेंट्स अपने पास नहीं रखेंगे, वो आपको डॉक्यूमेंट्स रिटर्न कर देंगे। फिर जब आप चालान पैड करके आएंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स दोबारा वेरीफाई करेंगे, दोबारा रीचेक करने के बाद वो आपको एक डेट दे देंगे कि आपको 2 हफ्ते के बाद या 3 हफ्ते के बाद आपको डेट देंगे कि आपको कब आके पासपोर्ट कलेक्ट करना है। तो दोस्तों इंशाल्लाह जब मैं एम्बेसी जाऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा वहां से कि किस तरह से मेरा वीज़ा हुआ है कि नहीं हुआ, इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट दूंगा। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में एक नए वीज़ा की इंफॉर्मेशन के साथ आपके खिदमत में हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।